सीताफल को पकाने का आसान तरीका। दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। अभी 2 दिन पहले हमने सीताफल की खेती करना आपको सिखाया था और उसमें ये बताया था कि सीताफल का जो फल रहता है वह पेड़ में पकने से पहले इसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर लगे लगे यह पेड़ वो जो फल है वह फट जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जब भी हम सीताफल को तोड़ें तो आपको देखना है कि ये फल अच्छी तरीके से साइज में अच्छा बड़ा हो गया है और ठोस है, ये पका नहीं है अभी। इसको चाहे जितनी तेज हम दबाते हैं तो ये खुलता नहीं है। तो आपको इसको पकाना है कैसे, वह मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यदि आप सीताफल का जो फल है उसको ऐसे तोड़ के यदि लाते हैं और कच्चा है तो आप इसको कैसे पकाएं। फल तुड़ाई कब करना है, जब इसकी ये जो दो कलियां हैं, जब ये दूर इसका जो स्पेस आपको दिखेगा कि अच्छा खासा स्पेस हो गया है, तब इसको तोड़ना है। और तोड़ने के बाद इसको हमें कैसे पकाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक अखबार चाहिए और अखबार में हम इन सीताफल को इस प्रकार रखेंगे कि ये अच्छी तरीके से हम इसको बंद कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ठोस जो सीताफल हैं उनको हम इस प्रकार रख देते हैं और अच्छी तरीके से इनको हम बंद करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से इस प्रकार ये बंद हो जाएं। इस प्रकार हमको रखना है और किसी बर्तन में हमको इसको रख देना है और ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे, या उसको थोड़ा सा हवा ना आए इसलिए हम इसको ढक्कन रख देंगे। ऐसे एकदम एयर टाइट भी नहीं करना है। इस प्रकार हम इसको रख देंगे और कुछ दिनों बाद हम इसको देखते हैं। तो अब हम कुछ दिनों बाद इसको देखते हैं तो इसको हमने ढक्कन तेज लगा दिया था, इसको हम निकालेंगे और अब देखेंगे तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ये हो तो गया है, दब तो रहा है, ये देख सकते हैं आप दब तो रहा है, लेकिन ये ठीक से अभी दबा नहीं है और ये अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। ये 2 दिन बाद हमने देखा है और इसको देखते हैं तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा पूरी तरीके से अच्छा पक चुका है और इसके जो दाने हैं इनको हम आसानी से निकाल कर खा सकते हैं। ये देखिए पक गया है। तो उम्मीद है आप लोग भी जब सीताफल का जो कच्चा सीताफल यदि आपके पास आता है तो उसको पका सकते हो इस प्रकार से। ये देखिए इसका बीज भी निकल आया है, हमने खाने के बाद बीज निकलता है, ये वाला बीज निकलता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।